Hey guys, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट कबीर। आईपीएल 2020 खराब फॉर्म के लेकर ट्विटर पर ट्रोल हुए पृथ्वी शॉ, लोगों ने लिए जमकर मजे जनाब। जी हाँ जनाब, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के चलते मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2020 के पहले क्वालिफायर में 57 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मुंबई की पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सूर्य कुमार यादव 51, ईशान किशन नॉट आउट 55 और हार्दिक पांड्या ने नॉट आउट 37 रन की उमदा पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 200 रन बनाए। साथ ही जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 143 रन ही बना सकी। दिल्ली की टीम ने इस मैच में अपने शुरुआती 3 विकेट बिना कोई रन बनाए गवाए जनाब। पृथ्वी शॉ एक बार फिर अपनी खराब फॉर्म के जूझते हुए नजर आए और अपना खाता तक नहीं खोल सके। पृथ्वी शॉ अपनी इस पारी के बाद ट्विटर पर लोगों ने जमकर उनसे मजे लिए। साथ ही आपको बता दें, पृथ्वी शॉ का बल्ला इस पूरे टूर्नामेंट में एकदम खामोश नजर आया। शॉ ने इस सीजन में 13 मैचों में 136.52 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 228 रन बनाए। शॉ की पिछली 8 पारियों में सर्वाधिक स्कोर 19 रन का रहा, जबकि इस मैदान में वो 3 दफा 0 रन पर आउट हो चुके हैं। शॉ के लगातार हर मैच में जल्दी आउट होने से टीम के मिडिल ऑर्डर पर काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ है, जिसके चलते दिल्ली की बल्लेबाजी पिछले मैचों में बुरी तरीके से फ्लॉप रही। मुंबई के खिलाफ 0 पर आउट होने के बाद पृथ्वी शॉ ट्विटर पर लोगों के निशाने पर गए और जमकर ट्रोल उनको किया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने पृथ्वी शॉ से जुड़े कई मीम भी शेयर किए हैं। साथ ही आपको बता दें, मुंबई के खिलाफ पहले क्वालिफायर गंवाने के बावजूद दिल्ली की टीम फाइनल में पहुंचने का अभी एक और मौका उनके पास होगा। दिल्ली कैपिटल दूसरे क्वालिफायर के एलिमिनेटर मैच जीतने वाली टीम से भिड़ेगी। दिल्ली की टीम ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को हरा कर पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर रहते हुए लीग स्टेज को खत्म किया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पृथ्वी शॉ लगातार जल्दी आउट हो रहे हैं, तो लोग उनसे ट्विटर पर मजे ले रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दें और ऐसी लेटेस्ट खबर के साथ हमारे साथ बने रहिए जनाब। जय हिंद, जय भारत।